ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतस्य यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशं। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। करुणाधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, और दुनिया के सभी प्रमुख विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है। पश्चिमी विद्वानों ने भी ये बात कही है, वेदास आर रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। वेद जो है ये मनुष्यों द्वारा लिखे हुए प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद ज्ञान का अवतरण तो परमात्मा की कृपा से उनकी वाणी से हुआ, लेकिन उसको लिखित रूप में तो ऋषियों ने ही हमें आपको प्रदान किया, और उस वैदिक साहित्य के मुख्यतः तीन प्रकार की विधाएं जो मनुष्य के जीवन से संबंधित है। दुनिया में जहां भी कहीं मनुष्य है उसके पास तीन प्रकार की शक्तियां हैं, तीन प्रकार की शक्ति। दुनिया भर में जितने मनुष्य हैं, केवल भारत में ही नहीं, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, इसको दूसरी भाषा में आप बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं मस्तिष्क है, हृदय है और हाथ है। मस्तिष्क से आप सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, हृदय से आपके संकल्प उठता है, और फिर हाथ कर्म में लग जाते हैं। चौथी कोई शक्ति नहीं, यही त्रिविध शक्तियां हैं। इसी को परिषदों में इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति ऐसा कहा गया है। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम् यद् भाव साधनम् तद् ब्रह्म सत्ता सामान्यम् सीता तत्त्वम् उवाच्महे।
इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन्हीं को हमारी भाषा में, पौराणिक भाषा में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं। ये जो तीनों देवियां हैं, ये त्रिविध शक्तियों के ही मूल स्रोत हैं। आप लोग इतना तो समझते हैं ना कि समष्टि शक्ति और व्यष्टि शक्ति, शक्ति के दो भेद हैं, जिसको दूसरी भाषा में कॉस्मिक पावर और इंडिविजुअल पावर कहते हैं। एक तो कॉस्मिक पावर है, यानी ऐसा समझ लें कि वैश्विक शक्ति है, मूल शक्ति है, और दूसरी व्यक्ति के स्वरूप में अभिव्यक्त हुई इंडिविजुअल, जिसे व्यक्ति भाव में कहते हैं, शक्ति है। तो समष्टि शक्ति और व्यष्टि शक्ति, जो व्यष्टि शक्ति में है वही समष्टि शक्ति में है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, त्रिविध शक्तियां ब्रह्म में भी है, परमात्मा में भी है और जीवात्मा में भी, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा की प्रतिमूर्ति कहा गया है। मनुष्य जो है वो परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। वेद की घोषणा है, सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, ये पुरुष जो मनुष्य है ये परमात्मा की अनुकृति है, प्रतिमूर्ति है। जो कुछ परमात्मा में है वही मनुष्य में है। अंतर केवल इतना है कि परमात्मा में समग्र रूप से है और मनुष्य में अंश रूप से है। जैसे एक दीपक में, जलते हुए दीपक में अग्नि के सारे तत्व हैं, जो तत्व सूर्य में है, सूर्य में जो शक्तियां हैं वही शक्ति उस अग्नि के छोटे से दीपक की लौ में है। तत्वता कोई भेद नहीं है, भेद है मात्रा का, वो अंशी है या अंश है। इसी रूप से मनुष्य में सारी शक्तियां हैं जो परमात्मा में है। परमात्मा महान है, उसमें जो शक्तियां है वो अनंत है, उसकी सीमा नहीं है। उसी का अंश, जो उसी की अभिव्यक्ति, उसी का मैनिफेस्टेशन जो जीव आत्मा है, उसी की एक ज्योति जो जीव आत्मा है, इसमें जो शक्तियां है वो लिमिटेड है, सीमित है। अंतर केवल इतना ही। अब वेद ने बताया कि जैसे परमात्मा में इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शक्ति है, ऐसे जीवात्मा में भी इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये तीन प्रकार की शक्तियां। ज्ञान शक्ति का स्रोत बुद्धि है, इच्छा शक्ति का स्रोत हृदय है, और क्रिया शक्ति का मूल स्रोत हाथ है। ये तीन आपके पास इंस्ट्रूमेंट या साधन है, जिसको आप अंग्रेजी में कहें तो हेड, हार्ट एंड हैंड्स कह सकते हैं। दुनिया में जहां कहीं मनुष्य है उसके पास चौथी कोई शक्ति आपको नहीं मिलेगी, यही तीन। और यह नहीं कि वहां किसी के दो ही शक्ति है, तीसरी है ही नहीं, ऐसा भी नहीं। परमात्मा के दिव्य विधान में ये तीन प्रकार की शक्तियां मानव मात्र को उपलब्ध है। अब इनका कैसे प्रयोग करना चाहिए और कैसे वृद्धि करनी चाहिए, दोनों बातें। जो शक्तियां आपको मिली हुई हैं इनकी वृद्धि करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, और इनका प्रयोग करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। ये दो विधाएं आवश्यक है जानना। अब इस संबंध में वेद ने बताया कि ये जो त्रिविध शक्तियां हैं इनको तुम जानो, और
इनकी वृद्धि कैसे करना है इसको समझो, और इनका प्रयोग कैसे करना है इसको समझो। इसी ज्ञान को हमारे यहां दर्शन शास्त्र में, उपनिषदों में विशेष रूप से विस्तार के साथ वर्णन किया गया। जिस विधा के साथ इन शक्तियों की वृद्धि आप कर सकते हो उसको विद्या कहा गया। विद्या टेक्निक आप लोग जानते हैं आजकल भौतिक, बाद में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दो उसके एस्पेक्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रैक्टिकल है और दूसरा उसका थ्योरेटिकल। इसी प्रकार से हमारे वैदिक विज्ञान में उसके लिए दो बातें समझाई गई कि पहले उन विद्याओं को समझो जिसके द्वारा तुम अपने त्रिविध शक्तियों को विकसित कर सकते हो, विस्तार दे सकते हो, इनको और उत्तम बना सकते हो, महान बना सकते हो, और दूसरा उसके प्रयोग की विधि। ये दोनों चीजें समझाई गई। यदि आप इन दोनों के विषय में नहीं जानते तो आप अपने जीवन को पूरा नहीं बना पाएंगे, अच्छा जीवन नहीं जी सकेंगे आप। और मनुष्य अच्छा जीवन जीना चाहता है, पूर्ण जीवन जीना चाहता है, इसलिए उसके लिए ये बात बताई गई। और इसी विधा और इसी विधा इन विधाओं को ऐसे समझिए धर्म के नाम से संबोधित किया गया। धर्म कल्पना की वस्तु नहीं है, धर्म केवल अंधविश्वास की वस्तु नहीं है, धर्म केवल मानने की वस्तु नहीं है। हमारे यहां शास्त्रों में कहीं भी नहीं बताया गया कि धर्म को मानो, ऐसा नहीं समझाया गया। हमेशा धर्म को जानने की सीख दी गई, धर्म को जानो फिर मानो फिर उसको जीवन में उतारो, ये तीन बातें बताई गई। जानना, मानना और क्रिया में परिणत करना। भगवद गीता में भगवान ने वेद के सारे विस्तृत ज्ञान विज्ञान को थोड़े से शब्दों में, संक्षेप में सार रूप से समझा दिया। गीता ने वेद के संपूर्ण सिद्धांतों को सार रूप में समझाया और बताया कि मनुष्य के लिए यह परम आवश्यक है कि वह अपने कर्म को, अपने भाव को, अपने विचार को, इन तीनों को शुद्ध और समन्वित करे। क्योंकि महात्मा का लक्षण बताते हुए शास्त्रकारों ने कहा मनस एकम वचस एकम कर्मणि एकम महात्मना, जो कहता है, जो विचार करता है वही कहता है, वही करता है वो महात्मा है। और मनस अन्य वचस अन्य कर्मणि अन्य दुरात्मना का दुरात्मा विषय कहते हैं, कहा कहता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, वो दुरात्मा है। इसलिए गीता की भाषा में बुद्धि, हृदय और हाथ, इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। इसमें प्रधानता किसकी होनी चाहिए, कहा बुद्धि की। यदि आप अपने हृदय की बात सुनकर, मन की बात सुनकर उसके अनुसार कर्म में प्रवृत्त होंगे तो आपका कर्म कभी भी शुद्ध और श्रेष्ठ नहीं होगा। आपके कर्म की विशिष्टता के लिए आपके भाव की विशिष्टता अनिवार्य है, लेकिन भाव विशिष्ट तब होगा जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। इसलिए पहले हेड है, फिर हार्ट है, फिर हैंड्स है,
जिस क्रम से परमात्मा ने आपको बनाया है उसी क्रम से इसका प्रयोग कीजिए। धर्म ने कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जो दैवी विधान से व्यवस्थित न हो। याद रखो, गीता में भगवान ने यही बात समझाई कि पहले तुम्हारी बुद्धि है, फिर तुम्हारा हृदय है, फिर तुम्हारे हाथ है। हाथों का प्रयोग करने से पहले तुम अपने हृदय से पूछो कि वो सहमत है, और हृदय का प्रयोग करने से पूछो अपनी बुद्धि से कि वह हृदय के कल्पनाओं से सहमत है। यदि बुद्धि तुम्हारी सहमत है तो हृदय और हाथ का प्रयोग करो, यदि बुद्धि सहमत नहीं है तो का फिर उसका कभी प्रयोग मत करो, अन्यथा बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। बुद्धि का प्रयोग, फिर हृदय का प्रयोग, फिर हाथ का प्रयोग, यह क्रम है। और इसी क्रम में गीता के 18 अध्याय जिनको 3 शतकों में बांटा गया है, को 3 शतक कहते, 3 शतक, 6-6 अध्याय एक एक के साथ जोड़ा गया है। इनको हमारी दार्शनिक भाषा में कहते हैं कर्म, उपासना और ज्ञान। वैदिक भाषा में इसे कर्म, उपासना और ज्ञान कहा गया है। गीता में भगवान ने इसके लिए 3 शब्द का प्रयोग किए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये 3 शब्द प्रयोग किए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, क्योंकि सामान्य मनुष्य पहले अपने कर्म इंद्रियों का ही प्रयोग करता है, इसलिए भगवान ने पहले कर्म योग को ही लिया। उसके बाद में फिर वो देखता है कि कर्म इंद्रियों का संचालन तो हृदय से हो रहा है, भाव से हो रहा है, तो भगवान ने दूसरा शब्द भक्ति योग लिया जो भाव से संबंधित है। और जब उसके बाद समझ में आती है कि हृदय तो बुद्धि के द्वारा ही प्रकाशित होता है, यदि बुद्धि का प्रकाश न हो तो हृदय कुछ नहीं समझ सकता, कुछ नहीं कह सकता, फिर तो हृदय अंधा होगा। और अंधे हृदय के द्वारा मनुष्य कभी भी अपने कल्याण का संपादन नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने मनुष्य के बुद्धि को सजग बनाने के लिए फिर बुद्धि योग की बात समझाई। तो बुद्धि योग जिसको ज्ञान योग कहते हैं, और भक्ति योग जो भाव से संबंधित है, और कर्म योग जो हमारी क्रिया से संबंधित है। बाद के विद्वानों ने इसको एक एक पक्ष में बांट दिया। कुछ लोग अपने आप को ज्ञान योगी मानने लगे, कुछ लोग भक्ति योगी मानने लगे, कुछ लोग कर्म योगी मानने लगे। लेकिन ये भ्रांत धारणाएं हैं, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को 3 भागों में डिवाइड नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो कर्म योगी हूं, ज्ञान योग और भक्ति योग से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तो भक्ति योग का अनुयायी हूं, मेरा कर्म योग और ज्ञान योग से कोई मतलब नहीं है। वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तो ज्ञान योगी हूं, मेरा भक्ति योग और कर्म योग से कोई संबंध नहीं है। असंभव है, ऐसी बातें तो अज्ञानी लोग ही किया करते हैं। जो विज्ञानी है उनको यह बात समझ में आ गई है या आ जाती है कि बुद्धि, हृदय और हाथ इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए व्यक्ति का जीवन पूर्ण कब होता है, जब उसमें ज्ञान, भाव और क्रिया का सामंजस्य हो, तीनों का सामंजस्य एक साथ हो। ज्ञान, भाव और क्रिया यदि तीनों का सामंजस्य नहीं है तो जीवन में पूर्ण नहीं होगा। जो आप सोचते हैं वैसे संकल्प करते हैं, जो संकल्प करते हैं वैसे क्रिया होती है। यदि आप सोचते ही रह जाए, भाव और क्रिया नहीं आवे, तो क्या आपका जीवन पूर्ण होगा? नहीं होगा।
बिना सोचे विचारे यदि आप भावुक होकर के किसी कर्म में प्रवृत्त हो जाए तो क्या परिणाम होगा, आप जरा सोचिए। और बिना सोचे बिना भावना के यदि आप कर्म केवल करते रहेंगे तब आपकी क्या गति होगी। इसलिए गीता बताती है कि तुम्हें अपने जीवन में इन तीनों का सामंजस्य करना है। बुद्धि जो ज्ञान का स्रोत है, हृदय जो भाव का स्रोत है, हाथ जो कर्म के आधार हैं, इन तीनों में तुम्हारे सामंजस्य होना चाहिए। यही गीता का सार संदेश है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को क्रम से यह बात समझाना चाहता हूं। गीता के मूल सिद्धांत को समझने के लिए इन बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखिए। जब भगवान कोई बात समझाते हैं तो या तो हृदय से संबंधित है, या बुद्धि से, या क्रिया से। यानी या तो ज्ञान से संबंधित है, या भाव से, या क्रिया से। और कभी कभी उन तीनों को एक साथ करके भी वो बताते हैं। यदि आप परमात्मा में अपने आप को अवस्थित करना चाहते हैं तो या बिना परमात्मा के ज्ञान के आप अपने आप को परमात्मा में प्रतिष्ठित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यदि आप भाव में आकर के सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोई परमात्मा का रूप स्वीकार कर लें, या परमात्मा की कोई स्थिति स्वीकार कर लें, फिर आपका ज्ञान अधूरा होगा और आपकी निष्ठा भी दृढ़ नहीं होगी, नहीं होगी। आजकल जो वातावरण चल रहा है, अनेक प्रकार के नए नए संप्रदाय रोज खड़े हो रहे हैं। क्यों खड़े हो रहे हैं जानते हो? इसलिए कि आपको न तो गीता का पता है, न रामायण का पता है, न भागवत का पता है, न देवी परिषद का पता है। जो आया आपसे जो कह दिया आप उसी के पीछे लग गए। किसी ने मीठी बातें बता दी तो आप उसके पीछे लग गए, किसी ने सरल बातें बता दी उसके पीछे लग गए, किसी ने कोई चमत्कार दिखा दिया उसके पीछे लग गए, कोई खड़ा होकर स्टेज पर नाचने गाने लगा तो उसके पीछे लग गए। आप सोच लिए यही महापुरुष है, यही संत, अरे बड़े आदमी, संत से नाचने गाने का क्या लेना देना, सोचो पहले। इस प्रकार के आगमनों का क्या मतलब उससे? संत तो आपको अपनी सरल वृत्ति से ज्ञान भक्ति और कर्म का उपदेश देगा, और वो भी शास्त्र सम्मत, क्योंकि दुनिया में मेरा चैलेंज रहा है दुनिया को कि दुनिया में अध्यात्म के क्षेत्र में कोई ऐसी नई बात कोई व्यक्ति नहीं बता सकता जो कि आज से पूर्व के ऋषियों ने हमें, संतों ने हमें न बताई। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हो सकते हैं क्योंकि अभी विज्ञान अपने अंत तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ब्रह्म विज्ञान के संबंध में कोई नई बात नहीं बताई जा सकती क्योंकि उन ऋषियों ने ब्रह्म विज्ञान के छोर को स्पर्श कर लिया था। उन्होंने घोषणा की है, वेदाह वेतम पुरुषम महांतम आदित्योतम सह प्रस्ताद तमो विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय। आज तो आपको ऐसे लोग कथा कहते हुए मिलेंगे जिनको न गीता का पता है, न भागवत का पता है, न रामायण का पता है, न वेद परिषद का पता है, जो संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं जानते, और जहां देखिए वहां उनका भागवत की कथा हो रही है, गीता की कथा हो रही है, और उसमें कहानियां सुनाते हुए कुछ नाच लेंगे, गा लेंगे, मजाक कर लेंगे, आप लोग हंस लेंगे, लोग सोचेंगे बहुत अच्छी बात हो गई, हमें संत जी ने महान तत्व बता दिया। ये जो भ्रांति युक्त आपके जीवन की प्रक्रियाएं हैं, ये आपको पतन के रास्ते पर ले जा रही है, धर्म के यथार्थ स्वरूप को आप नहीं समझ पा रहे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने शास्त्रों में आस्था रखिए और उनके मूल सिद्धांत को समझने का प्रयत्न कीजिए। वेद ने क्या कहा उस बातों को आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। कल मैंने बताया था कि वेद समाधि भाषा की वाणी, उस अवस्था में पहुंचे तो वेद की बात पल्ले पड़ सकती है। देखने में वेद के मंत्रों का जो सामान्य अर्थ है, जब वेद के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसके महान अर्थ को समझ करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए वेद की बात तो छोड़िए, वो आपके पहुंच से परे की बात है,
लेकिन गीता जो भगवान ने आपको आपकी सुविधा और आपके कल्याण के लिए बिल्कुल सरल भाषा में आपको उपदेश दिया है, उसको तो समझने की चेष्टा कीजिए। और जो बातें वेद में है वही गीता सारूप से आपको समझाती है, क्योंकि वेद भी परमात्मा की वाणी है, गीता भी परमात्मा की ही वाणी है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि सर्वप्रथम गीता के 6-6 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है, एक कर्म में, दूसरी उपासना में, तीसरा ज्ञान। और इस प्रकार से भगवान ने मनुष्य के लिए एक अमर संदेश दिया। उसमें भी पहला अध्याय तो विषाद योग है, विषाद योग। विषाद को योग क्यों कहा गया, इस विषय मैंने अपने भाष्य में विस्तार के साथ लिखा है। वैसे आयुर्वेद का यह सिद्धांत है, विषाद जो है रोग में कारण होता है, विषादम रोग कारण। विषाद जो है यह मनुष्य के लिए रोग में कारण होता है। वर्तमान के वैज्ञानिक यह अनुसंधान करके घोषित कर चुके हैं कि जितने रोग हैं सब मनुष्य के विषाद से ही उत्पन्न होते हैं। विषाद कहिए, चिंता कहिए, डिप्रेशन कहिए, कई नाम ले लीजिए उसके, डिजेक्शन कहिए, अंग्रेजी में डिजेक्शन कहे तो आपको समझ में आ जाएगी। शायद विषाद संस्कृत का है इसलिए आप न समझते होंगे, और बाद में कहेंगे कि स्वामी जी ने तो ऐसी भाषा बोली जो मेरे समझ में नहीं आई। तो चलो जो समझ में आ जाए उसी को समझिए। डिजेक्शन इन द कॉज ऑफ डिजीजेस ये वैज्ञानिकों ने घोषित किया है, और इसीलिए अब पश्चिम के देशों में योग की महत्ता बढ़ रही है। या आप ध्यान करें, अपने चित्त को एकाग्र करें और ऐसा चिंतन करें कि परमात्मा की दिव्य शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, ऐसा अनुभव करें कि यह अनंत आकाश दिव्य शक्ति से भरा हुआ है, और वही दिव्य शक्ति ऊर्जा के रूप में या श्वास के रूप में, प्राण के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में नासिका छिद्रों द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करके आपको जीवन प्रदान कर रही है। वही दिव्य शक्ति आपके शरीर के चारों तरफ व्याप्त है और वह तरंगायित हो रही है, और उसी तरंगायित शक्ति से आपका सारा अंग परिपूर्ण हो रहा है। ऐसा आप चिंतन करें, ध्यान करें, और अपने अंदर में जितने रोग हैं उन सबको आप सोचिए कि वो सब बाहर जा रहे हैं। जब मैं श्वास बाहर फेंकता हूं तो रोग के परमाणु बाहर चले जाते हैं, और जब मैं श्वास अंदर लेता हूं तो फ्रेश ऑक्सीजन पवित्र परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। यह ध्यान की प्रक्रिया अब पश्चिम में प्रचलित हो रही है, लोग उसके अनुसार अपना इलाज कर रहे हैं। आप यह जानकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें एक कोने में यानी एक तरफ उसका ब्रांच न हो मेडिटेशन का, क्योंकि अनेक प्रकार के रोगों के लिए इसको परम औषधि माना गया है, परम सुंदर उपाय माना गया है। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि जो डिजेक्शन है, विषाद है तो रोग में कारण, लेकिन रोग में कारण कब होता है जानते हो, जब कोई सदगुरु न मिले तब। विषाद योग में परिवर्तित कब हो जाता है, जब कोई उत्तम वैद्य मिल जाए, अच्छा ट्रीटमेंट देने वाला, साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट देने वाला, वो गुरु हो सकता है। उसको वैद्य कहिए, गुरु कहिए, वो स्वामी जी ने उसे गुरु कहा है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उन्होंने कहा जैसे ये वैद्य जो है ये आपके शारीरिक रोग को दूर करने में सहायक होता है, ऐसे सदगुरु रूपी वैद्य जो है वो आपके मानसिक रोगों को दूर करने में सहायक होता है। और रोग पहले मन में आते हैं फिर शरीर में आते हैं, ऐसा सिद्धांत है आयुर्वेद का, और इसको पब्लिक स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि गीता का पहला अध्याय विषाद योग है, क्योंकि हर एक मनुष्य जहां है वहां संतुष्ट नहीं, इसलिए वो और कुछ होना चाहता है, वो अपने संतुष्टि के लिए रास्ता ढूंढना चाहता है, और जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो विषादग्रस्त हो जाता है। उसको कहते हैं डिप्रेशन अंग्रेजी में, डिप्रेस्ड हो जाता है वो, किंग
सुनकर तब विमूढ़ हो जाता है, और जब विषादग्रस्त होता है उसको यदि कोई अच्छा साथी मिल जाए, गाइड सदगुरु मिल जाए, तो उसका वो विषाद योग में परिणत हो जाता है, और नहीं कोई मिला तो फिर वो विषाद रोग में परिणत हो जाता है, और इतना भयानक हो जाए कि केवल कहता है आत्महत्या भी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। याद रखना, और यदि अच्छा कोई गया फिर उसको अर्जुन के साथ सौभाग्य से भगवान स्वयं रथवान रूप से विराजमान थे, अर्जुन से ग्रसित हुआ, अपने हृदय की बातों को समझा, भगवान के सामने रखा तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि ये तो एक विषाद चल रहा है, तो उन्होंने एक ऐसा नस्तर लगा, नस्तर जानते चीरा लगाते समय जो लगाते अयन तया उसके उस रोग के ऊपर कि वो तिलमिला गया, क्योंकि किसी वीर को जिसको अपने पड़ोस पर जिसने वीरता को जो स्वाभिमानी हो उसको ये कह दे कि अरे कायर नपुंसक क्या करने जा रहा है तू, तू तो कायर व नपुंसक शब्द नहीं सुन सकता अपने लिए, तो भगवान के सामने जब उसने अपने विषाद को व्यक्त किया और रोते हुए कहा न कांक्षे विजय कृष्ण न राज्यम सुखानि च, हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, तो